प्रभात बच्चों। सुप्रभात माने गुड मॉर्निंग। बच्चों यहाँ पे मैम आए हैं आपको आज सबसे पहले एक अच्छी स्टोरी सुनाई है, फिर हम आज का नया टॉपिक देखेंगे, ठीक है। तो स्टोरी है जैसे कि क्रेन और फॉक्स, ठीक है। डू यू लाइक स्टोरीज? चलो तो हम कहानी स्टार्ट कर देते हैं। स्टोरी को हिंदी में बोलते हैं कहानी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक दिन क्या होता है, फॉक्स अपना लंच लेता है। लंच खाते खाते वो हरेटी खाता है, मतलब बहुत गड़बड़ में खाई में खाता है। तो खाते वक्त क्या होता है, एक बोन का टुकड़ा उसके गले में अटक जाता है, स्टक हो जाता है। अब वो सांस नहीं ले पाता, उसको तकलीफ होती है। वो ये सोचता है कि अगर मेरा गले का अटका हुआ हड्डी का टुकड़ा नहीं निकला तो क्या मैं जीवित रह पाऊंगा, क्या मैं जिंदा रह पाऊंगा। तो उसको बड़ी चिंता होती है, he got worried। सो वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं। तो वो सोचता है किसी से हेल्प मांगूं। तो घूमते घूमते जाता है तो वहां पे एक क्रेन मिलता है। क्रेन मतलब बगुला। वो बगुले से हेल्प मांगता है और प्लीज मेरा मेरे गले में हड्डी का टुकड़ा अटका है, तो आप तुम इसको निकाल दो और इसके लिए मैं आपको, आप मेरी जो मदद करोगे उसके बदले में मैं आपको कुछ बख्शीश दूंगा, कुछ आपको प्राइज दूंगा। तो ठीक है, क्रेन एंट्री हो जाता है, ओके बोलता है फॉक्स को, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, वो उसकी हेल्प कर देता है, हड्डी का टुकड़ा वो निकाल देता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बी। उसकी जो चोंच होती है लंबी सी उससे वो निकाल देता है। कुछ देर बाद जब क्रेन फॉक्स को बोलता है कि अब तो मुझे मेरा प्राइज मिलना चाहिए, तो ठीक है बोलता है, अब देना चाहिए आपने मुझे। तो फॉक्स उसे जवाब देता है कि आपने तो पूरा आपका मुंह मेरे हड्डी का टुकड़ा निकालने के लिए मेरे माउथ में डाला, तो मैं ये आप समझ लो कि मैंने आपको जीवित छोड़ दिया, कि मैंने आपको खाया नहीं। तो इसी प्रकार उसने बोला कि यू सेव योर लाइफ, लाइक आई लीव यू, मैंने आपको खाया नहीं, तो यही आपका बख्शीश है। तो किड्स, फॉक्स तो बहुत चतुर होता है, तो इसीलिए हमेशा अलर्ट रहिए, अपनी केयर लीजिए, ठीक है। जैसे ये फॉक्स बहुत तेज होते हैं दिमाग के, तो शातिर होते हैं, तो ऐसे चीज़ों से, ऐसे लोगों से या फिर ऐसे एनिमल से आप बच के रहिए, ठीक है। सो यूज योर ब्रेन ऑलवेज, कीप लर्निंग, कीप अंडरस्टैंडिंग, ओके। सो लेट्स गो फॉर दिस टॉपिक। ये टॉपिक है चित्र देखकर पहला अक्षर लिखो। आर यू रेडी? तो चलो सबसे पहले टाइटल डाल दें मैम, चित्र देख, चित्र पहचान कर। मैम लिख रहे बोर्ड पे चित्र, चांदर, पहला अक्षर लिखो। ये मैम ने लिख दिया है आपका हेडिंग, ठीक है। ये मैम ने आपको टास्क दिया है, अभी आज हमारा टास्क है, टुडेज टास्क। हमें क्या करना है, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैम ने 6 पिक्चर्स बनाए हैं, 6 पिक्चर्स मैम ने बोर्ड पे बनाए हैं। यहाँ पे क्या करना है बच्चों, हमें जैसे कि मैम ने आपको सिलेबस इंट्रोड्यूस करते वक्त बताया था कि ये टॉपिक ये टास्क हमें मिलने वाला है, हमें चित्र देखना है, चित्र को आइडेंटिफाई करना है और उसको पहचानने के बाद हमें उसका पहला ही अक्षर, केवल पहला अक्षर लिखना है। समझ में आ रहा है? बिगनिंग साउंड, इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं बिगनिंग साउंड और बिगनिंग लेटर, ओके रेडी। सो हियर पहला अक्षर आप समझ सकते हो, पहला चित्र दिया है, तो पहला चित्र आप देख सकते हो, यू आइडेंटिफाई फर्स्ट चित्र। ये चित्र है किस चीज का है, पहचानिए। यस, दिस इज द पिक्चर ऑफ मैंगो। मैंगो को हिंदी में क्या बोलोगे? यस टेल मी, इसको क्या बोलोगे आप? आम। आम हिंदी में मैंगो को आम बोलते हैं। तो चलो लेट्स राइट, आ तो लिखने आता है सबको, स्वर सेकंड स्वर है हमारा आ, अ आ। तो चलो लिखते हैं बच्चों आ, फर्स्ट राइट आ, स्लिपिंग लाइन
स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड कैब लाइन, ये बन गया हमारा कंप्लीट वर्ड आ म। अब इसको पढ़ो आ आ और म, वेरी गुड। सो हो गया कंप्लीट आ म। ओके वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट पिक्चर, वी हैव आइडेंटिफाइड फर्स्ट पिक्चर एंड वी हैव रिटन इट्स नेम टू, राइट। हमने पहला अक्षर पहचान लिया है और उसको लिख भी दिया है। ओके तो इस तरह आपको लिखना है बच्चों। अब देखो दूसरा चित्र है, व्हाट इज दिस, हम आकाश में उड़ाते हैं, स्पेशली जब दिवाली के टाइम पे हम ज्यादातर उड़ाते हैं, संक्रांति होती है, फेस्टिवल्स होते हैं, फेस्टिवल अकॉर्डिंगली हम पतंग उड़ाते हैं एंड यू लाइक इट, राइट। सो हियर पतंग है, तो ये पतंग का चित्र है। तो पहला साउंड क्या आ रहा है, फर्स्ट साउंड या फिर फर्स्ट अक्षर कैसे आएगा इसका, प, प तंग। तो आपको सिर्फ पहला अक्षर को फाइंड आउट करना है, सर्च करना है या फिर आइडेंटिफाई करना है, राइट। तो यहाँ पे पहला अक्षर आएगा कौन सा बच्चों, प, प तंग, राइट। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट प एंड यू नो हाउ टू राइट प, ओके। सो आई एम राइटिंग हियर प, प तंग, बाकी के रेस्ट ऑफ द लेटर्स आर गिवन, राइट। सो ओनली वी हैव टू राइट फर्स्ट, we have to write first letter, या फिर पहला अक्षर हमें यहाँ पे लिखना है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा प तंग ग, इसके साथ आपको पढ़ना भी है। सो स्पीक प तंग ग, got it? Now next, अब आप देख रहे हैं next picture related to fruit, फल में से है, कौन सा फल है, yes pomegranate, right? तो pomegranate को बोलते हैं हिंदी में अनार, क्या बोलते हैं अनार। सबसे पहले हमारे वर्णमाला का अक्षर है, स्वर है वो अ है, ठीक है, अ से अनार। तो बच्चों आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, आपको ब्लैंक प्लेस पे आपको लिखना पड़ेगा, अ लिखना पड़ेगा एंड देन यू कैन कंप्लीट योर वर्ड, ओके। शब्द कंप्लीट हो जाएगा अ से अनार। पिक्चर देखो, पहचानो, ये पिक्चर है अ से अनार, फाइन। सो वी हैव टू राइट अ हियर, सो शैल आई राइट, आर यू रेडी, ओके राइट डाउन अ, writing a से अनार and putting full line or cap line, a से अनार, nice. Now we have completed three objects or three pictures we have done, okay, nicely. So let's go for next. आप देख सकते हो next picture at the top, what is this, yes त से तलवार, जैसे शाहू महाराज, शिवाजी महाराज के लोग तलवार कैरी करते थे, ओके फॉर द बैटल, ओके। सो ये तलवार का फर्स्ट बिगिनिंग साउंड आएगा, क्या आएगा बच्चों, त से तलवार, त से तलवार। सो त लेटर, यू नो हाउ टू राइट द लेटर, हाउ टू राइट द लेटर, डू यू नो, ओके लेट्स स्टार्ट। त से तलवार, मैम ने आपको सिखाया है, सिर्फ आपको यहाँ पे पहला अक्षर लिखना है, त से तलवार, त से तलवार, ये मैं बैठी एंड फुटिंग क्या प्लान, त से तलवार कंप्लीट कर दिया, क्योंकि ब्लैंक प्लेस थी, यहाँ पे डबल अंडरलाइन किया था मैम ने, तो उसके ऊपर मैम ने त से तलवार, जो कि खाली प्लेस लेगी आपके टेस्ट में, आपको खाली प्लेस मिलेगी, ओके। वर्कशीट मैम विल गिव एंड यू आर टू सॉल्व, ओके। सो त से तलवार, ओनली वन लेटर, ओनली वन अक्षर या फिर एक ही अक्षर आपको पहचान के उसमें डालना है या फिर लिखना है, गॉट इट किड्स। तो ये बन गया त ल बार, ओके। नाउ नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पिक्चर, पहचानो कौन सा पिक्चर है ये, यस इन इंग्लिश व्हाट वी कॉल इट, दिस इज लोटस, ओके वेरी गुड। सो लोटस को हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों जी, क्या बोलते हैं, कमल, वेरी गुड, कमल। बिगनिंग साउंड जैसे क से स्टार्ट हुए, कमल है ना, राइट। क, क ये आपका बिगिनिंग साउंड है, फिर पहला अक्षर हो जाए। सो लेट्स राइट क ऑन द बोर्ड, ऑन द ब्लैंक प्लेस मैम लिख रहे हैं हाफ सर्कल, फाइन, स्टैंडिंग लाइन, सॉरी स्टैंडिंग लाइन एंड क, कंप्लीटली ये हाफ सर्कल हो गया, स्टैंडिंग लाइन एंड अगेन दिस शेप, फाइन दिस पैटर्न। सो कंप्लीटेड कमल,
Here we have again Kamal. Kids, next is you can identify आपके गार्डन में कुंडी रखी होती है. क्या रखी होती है? कुंडी रखी होती है. अब लास्ट वाला मैम जिसमें आपको दो लेटर्स इसमें बताएंगे. यहाँ पे आ गया म और ये हो गया ला. ओके, सो यहाँ पे प्लेस खाली है, ये ब्लैंक प्लेस है. आपको इसका फर्स्ट या फिर शुरू का अक्षर लिखना है, पहला अक्षर लिखना है. तो चलो लिखते हैं. आप पहले आइडेंटिफाई करो, पिक्चर को केयरफुली देखो, ध्यान से देखो पिक्चर को. कौन सा पिक्चर है, किसका है? जो कुंडी हम गार्डन में रखते हैं या फिर उसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में, यू नो, दिस इज कॉल्ड गमला. क्या बोलते हैं इसको बच्चों? गमला. तो पहला बिगिनिंग साउंड क्या होगा? ग. क्या होगा? ग. सो ये आई एम रेडी. ग ग मला एंड पुटिंग कैप. सो हियर मैम हैज कंप्लीटेड सिक्स पिक्चर्स विद आइडेंटिफिकेशन एंड पहला अक्षर लिखा भी है मैम ने, फर्स्ट अक्षर भी मैम ने कंप्लीट किया है. फाइन, सो चलो एक बार पढ़ते हैं हम शब्दों को. आ म पढ़ो. आ म पतंग. अनार. तलवार. कमल. गमला. इस तरह से आपको उसकी रीडिंग भी करनी है, इससे आपकी प्रैक्टिस और हो जाएगी. ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार आपको और पिक्चर्स देंगे मैम, और प्रैक्टिस लेंगे, आपके वर्कशीट्स आपको मैम भेजेंगे थ्रू आर ऐप या फिर थ्रू आर व्हाट्सएप लाइक ऑन योर ग्रुप, स्कूल ग्रुप, स्कूल एट होम. सो यू हैव टू टेक इट एंड यू हैव टू सॉल्व वट एवर वर्कशीट आई एम गोइंग टू गिव. ओके, सो जस्ट कीप लर्निंग एंड कीप फाइंडिंग न्यू वर्ड्स. ओके, थैंक यू सो मच, और आपका दिन अच्छा जाए. सो